फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने काफी साथ दिया है मेरा यूट्यूब पर। आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये पहला वीडियो है जिस वीडियो में मैं आप सभी के सामने आकर बात कर रहा हूँ। तो क्या आज इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप सीखेंगे, इलस्ट्रेटर या कोरल? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें कुछ नहीं सीखने वाले हैं। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि जब आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि वेब एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इन सभी चीज़ों से बात हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने भी अपने आप को ये सोच लिया है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो जनरल टर्म में ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है। मैं जब काउंसलिंग में बैठता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन बनता है कि सर मुझे वेब डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है। तो वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आप इसको वेब से भी जोड़ते हैं और डिजाइनिंग से भी जोड़ते हैं, यानी दोनों चीजों को आप एक साथ इंक्लूड करके बोलते हैं वेब डिजाइनिंग। तो मैं आप सभी से ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि यस, वेब डिजाइनिंग की बात तो जरूर है। पहले ये टर्म यूज किया जाता था, आज से 5 साल पहले, 6 साल 8 साल पहले ये टर्म यूज किया जाता था, वेब डिजाइनिंग। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है, अब वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग ये सभी डिफरेंट हो गए, सभी एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से पहले समझें। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये आप जान लें कि डिजाइनिंग को एक साइड रखें, दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट को रखें। डिजाइनिंग वन साइड, सेकंड साइड में डेवलपमेंट। अब डिजाइनिंग की बात जब करते हैं तो डिजाइनिंग को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग। कैसे? ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग को भी और हम लोग डिवाइड करेंगे, वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा मैं। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग को एक साइड रखा जाए, उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग रखते हैं यूआई डिजाइनिंग एंड यूएक्स डिजाइनिंग। यूआई और यूएक्स ये दोनों को एक साथ भी यूज किया जाता है, लेकिन आगे चलकर इसे भी अलग अलग कर दिया जाता है। पहली चीज होती है यूआई का फुल फॉर्म जो यूज किया जाता है वो यूजर इंटरफेस, और यूएक्स का जो फुल फॉर्म यूज किया जाता है वो होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो डिजाइनिंग में कितनी चीजें आ गई? 3। एक ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरी क्या है यूआई, तीसरी यूएक्स। यानी कि ग्राफिक, यूआई और यूएक्स, ये तीनों चीजें जब मिलती है तब बात बनती है डिजाइनिंग की। और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में, यानी 2 तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज फ्रंट एंड डेवलपमेंट और सेकेंड बैक एंड। तो बैक एंड डेवलपमेंट अलग होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग होता है। वो दोनों कैसे अलग होता है एक दूसरे से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं डिजाइनिंग की। जब डिजाइनिंग की बात करते हैं, अच्छा, करियर के बारे में मैं आप सभी से इसलिए बात करने वाला हूँ कि अभी तक जो मेरे ट्यूटोरियल्स अभी तक इतने आए हैं और आप लोगों ने जितना देखा है, जितने टूल्स सीख लिया, पेन टूल कैसे यूज करना है, ब्रश टूल कैसे यूज करना है, पोस्ट कैसे बनाना होता है, इन सभी चीजों का आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं से कोर्स कर रखे हैं और उन लोगों ने भी मेरे साथ जुड़ करके बहुत सारी चीजों को देखा है, सीखा है, काम किया है, लेकिन शायद सही तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है, या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए मुझे। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो डिजाइन कर रहे हैं उसको आप यूज कहाँ करना चाहते हैं। अगर आप उसे प्रिंट के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी कि उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इसलिए होगा कि वहां पे जो कलर यूज किया जाता है वो CMYK के कलर यूज किया जाता है। और जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं डिजाइनिंग की, अब वहां पर जो आप ग्राफिक डिजाइनिंग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैनर बनाना, टेम्पलेट बनाना, फ्लायर बनाना, ये सब सभी चीजों को आप जो बनाते हैं उसमें आप RGB कलर को यूज करते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो जब आप RGB कलर को यूज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहां पर बात आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग और वो ग्राफिक डिजाइनिंग, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि हम लोग जब प्रिंट के लिए यूज करेंगे तो CMYK कलर, और जब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करेंगे तो हम लोग RGB कलर यूज करते हैं। दोनों में बहुत सारी चीजें और डिफरेंस होती है। आने वाले वीडियोस में मैं सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करूंगा और सभी का डिटेल शेयर करता चलूंगा कि कैसे कैसे उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग वेब डिजाइनिंग की। जब हम लोग UI और UX डिजाइनिंग की बात यहाँ पर छेड़ दिए तो UI को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जब किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा खरीदना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? नॉर्मली मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, अल्टीमेटली अपना मोबाइल ओपन करूंगा या फिर सिस्टम पे जाऊंगा और वहां पर फटाफट फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अलीबाबा और ये सब सभी जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहां पे जाएंगे और सर्च करेंगे कैनन है, अलग अलग कैमराज हैं, कौन सा कैमरा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मोबाइल मेरे लिए अच्छा है, इन सभी चीजों को सर्च करेंगे और खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन
आपने ये कभी सोचा कि वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने लॉग इन किया या जहाँ पे मैंने सर्च किया वो क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक वेबसाइट है, वो एक डिजाइनिंग है। अब उस डिजाइनिंग का एक इंटरफेस होगा, एक सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं फोटोशॉप, उसमें भी इंटरफेस होता है। आप गौर से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरफेस आपके घर का भी है। आप जब घर एंट्री करते हैं तो मेन डोर से एंट्री करते हैं, उसके बाद राइट साइड में आपका बेडरूम हो सकता है, आपका हो सकता है डाइनिंग हो सकता है किचन हो, बहुत सारी चीजें जो भी है आपके घर में, वो एक इंटरफेस है। उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक इंटरफेस होता है, कहाँ पे आपका लॉगिन है, कहाँ पे लोगो यूज करना है, कहाँ पे आप नीचे उसके कैटेगरीज यूज करेंगे, कैटेगरीज कैसे यूज करना चाहिए, वेब टेम्पलेट को कैसे आप यूज करना चाहते हैं और सब कैटेगरीज जो है उसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं, नीचे फुटर को कैसे आप बनाना चाहते हैं, इन सभी चीजों को जब आप बेहतर तरीके से सजाते हैं एक स्ट्रक्चर पे, उसे हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस। यानी कि आप यूजर इंटरफेस को इस तरीके से डिजाइन करें कि जब भी कोई यूजर उस वेबसाइट पर आए तो देखने के बाद उसको अगर वो कोई चीज खरीदना चाहता है वो इजिली खरीद सकता है। अगर वो इजिली आपकी वेबसाइट पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली आपके वेबसाइट से हटकर दूसरी जगह चला जाएगा। जब उस वेबसाइट से हटकर वो दूसरी जगह जाएगा, अल्टीमेटली आपके वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा। यहाँ पे बाउंस रेट की बात मैं कर रहा हूँ, आगे डिस्कस करूंगा बाउंस रेट क्या होता है। जब आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बाउंस रेट क्या होता है। अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, बड़ी से बड़ी कंपनी की बात करता हूँ मैं, मारुति की बात करता हूँ मैं, टाटा की बात करता हूँ, रिलायंस की बात करता हूँ, बजाज की बात करता हूँ, ये सब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन सभी के सेलिंग अगर कम हो गए तो कम होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? या तो उसका यूजर इंटरफेस अच्छा ना हो। आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं, तो आप रेलवे के वेबसाइट पर ना जा करके आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे बहुत इजी होता है, पेटीएम से जाते हैं, रेलवे का टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं वहां से बुक कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इंटरफेस आपको जहां पे इजी समझ में आता है आप वहां पर जाते हैं और वहां से लॉगिन करते हैं, इजीली बुक कर लेते हैं। तो इंटरफेस आप जितना बेहतर देंगे यूजर को, उतना अच्छा आपका वहां पे रन करेगा, आपकी कंपनी उतना ग्रो करेगी, आपके वेबसाइट उतना ज्यादा देर वहां पे बंदा वहां पे काम कर सकता है। अगर आपने इंटरफेस ही अच्छा नहीं दिया, लॉगिन जहां पे देना चाहिए वहां पे लॉगिन नहीं दिया, टाइपोग्राफी जैसे यूज करना चाहिए वैसा आपने यूज नहीं किया, आपने कैटेगरीज सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, कैटेगरीज अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस हर एक बंदे का, हर एक आदमी का एक एड्रेस होता है। आप किसी को एड्रेस कैसे बताते हैं? सबसे पहले आप बताते हैं बड़े जगह को, पहले बताते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो क्या बताऊंगा, मैं इंडिया में रहता हूं। इंडिया में कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहता हूँ? यहाँ रहता हूँ। उसके बाद कहाँ? उसके बाद फिर तब फ्लैट नंबर पे आते हैं कि मैं इस फ्लैट नंबर में रहता हूँ। अगर मैं पहले फ्लैट नंबर बताऊं, उसके बाद ये बताऊं, उसके बाद, यानी दो तरीके से आप लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन जब वो जो पोस्टमैन होता है वो उल्टा पढ़ता है। आप बताते ऐसे हैं लेकिन वो पढ़ता उल्टा है, क्योंकि वो हो सकता है कि यूएसए से आ रहा हो सकता है जर्मनी से आ रहा हो, तो वो डायरेक्टली इंडिया पहले पहुंचेगा, ना कि आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। उसी तरीके से इंटरफेस होता है, आप कैटेगरी कैसे देना चाहते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी हो और उसमें आपने मिक्स कर दिया हो किसी दूसरे एसेसरीज को, हो सकता है मेडिकल किट की अलग हो। तो कैटेगरीज डिफाइन करना जरूरी है यूजर इंटरफेस अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं। यूजर इंटरफेस तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी हो। इंटरफेस आपने अच्छा बना दिया लेकिन आपने उसमें कलर अच्छा यूज नहीं किया, आपने उसमें टाइपोग्राफी अच्छा यूज नहीं किया, हो सकता है कि उसमें आपने जो डिजाइन यूज किया है वो डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, आई कैचिंग नहीं हो, तो वो भी यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं कहलाएगा। तो आप यूजर इंटरफेस अच्छा तभी बना सकते हैं जब उसके हर कैटेगरीज को, हर पहलू को अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तभी यूजर एक्सपीरियंस तभी अच्छा होगा। यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, उससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक, हो सकता है लक्स साबुन आपने यूज करना है, ठीक है, या कोलगेट आप यूज कर रहे होते हैं, ओके। तो जब आप किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो जैसी भी डिजाइनिंग हो वो यूजर इंटरफेस की बात हो जाएगी, लेकिन जब आप उसे पकड़ते हैं, उससे कोलगेट निकालते हैं, तो उसके होल कितने बड़े हैं, ठीक है ना, उसका साइज कितना बड़ा है, किस तरीके से आप उसे ओपन कर रहे होते हैं, तो इन सभी चीजों को जब आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए, ये फोन, जैसे एक फोन है, ये फोन मेरे लिए बहुत अच्छा है, वही फोन
थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए या काफ़ी छोटा कर दिया जाए, तो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस मज़ा नहीं आएगा, यूज़ करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हम लोग हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी डिज़ाइन किए गए हैं, नोज, आईज, हेयर, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को डिज़ाइन किया गया है। तो जो डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन करने के बाद इसका प्लेसमेंट भी किया गया है, तो डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट इसको हम लोग कहेंगे UI। लेकिन जब बात करते हैं इसके साइज की, कहाँ पे कितना साइज होना चाहिए, किस तरह से वो साइज दिखना चाहिए, इन चीज़ों को जो प्लेस करते हैं इसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र इंटरफेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा है तभी तो कोई रुककर एक्सपीरियंस लेगा कि हाँ सचमुच में मुझे काम करने में अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने जो काम किया वो मेरा पूरा काम हो गया, मैंने टिकट बुक करना था टिकट मैंने बुक भी कर लिया, और तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। एक्सपीरियंस तो तभी अच्छा होगा जब आपका इंटरफेस अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है इंटरफेस पे, और इंटरफेस डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे, डिजाइनिंग डिपेंड करता है आपके ग्राफिक्स पे कि आपने कलर का कौन सा यूज करना था, कौन सा कलर आपने यूज किया है। हो सकता है कि वही डिपेंड कर रहा होगा आपके टाइपोग्राफी पे, कौन सा टाइपोग्राफी यूज करना चाहिए। मैं टाइपोग्राफी के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोज में कि टाइपोग्राफी कैसा यूज करना चाहिए, कौन सी डिजाइनिंग में किस तरह की टाइपोग्राफी यूज की जाती है, उसकी कौन सी कैटेगरीज ज्यादा यूज की जाती है किन चीजों में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, डिजाइनिंग एक करियर बन गया आपका, कि आप डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करना होगा कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट आपका कैसा है, स्केचिंग आपकी अच्छी है, स्केचिंग आप अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आपको डिजाइन करने में अच्छा लग रहा है, या हो सकता है कि आपको डिजाइनिंग से बेहतर HTML करने में, कोड लिखने में अच्छा लग रहा होगा। एक जब PhD डिजाइन करते हैं, एक फाइल को डिजाइन कर लेते हैं जब आप, और उसी को कन्वर्ट कर देते हैं HTML में, तो वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो जाता है। और उसी फ्रंट एंड को जब किसी लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल PHP, .NET, जावा, इन सभी लैंग्वेज पे जब उसको डेवलप करते हैं, लाखों यूजर्स तक पहुंचाने के लिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लाखों यूजर तक पहुंचाना है, उसके लिए डेवलप किया जाता है किसी एक लैंग्वेज पे, वो फाइल छोटी भी रहे और हजारों लाखों यूजर तक आसानी से पहुंच जाए, उसी को कहते हैं बैकएंड। तो बैकएंड वही चीज होती है, उसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, हवा यहाँ पे है लेकिन देख नहीं सकते। उसी तरीके से बैकएंड में वर्क हो रहा है लेकिन आप देख नहीं रहे, देख रहे हैं फ्रंट एंड को, देख रहे हैं फ्रंट एंड भी कभी कभी आप नहीं देखते हैं कि क्या है नहीं है, आप नॉर्मली डिजाइन देखते हैं कि जो यूजर इंटरफेस को डिजाइन किया गया है उसको आप देखते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड को भूल जाते हैं। लेकिन बैकएंड और फ्रंट एंड ये दोनों भी काम करता रहता है। तो आपके करियर के लिए कई चीजें हो गई, एक ग्राफिक्स में भी दो चीजें हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग में एक प्रिंट मीडिया के लिए, दूसरी हो गई आपके डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग के लिए वो उसके बारे में दूसरे वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। आज बात कर रहा हूँ करियर की। तो करियर में ग्राफिक डिजाइनिंग में दो फील्ड हो गए, एक प्रिंट के लिए और एक डिजिटल के लिए। अब दूसरी बात हो गई यूजर इंटरफेस, आप जब एक UI डिजाइनर बनते हैं तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, उसके लिए करियर आपका बन सकता है। एक करियर हो गया आपका इसमें कि आप यूजर एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन आप करते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग में चार तरह के करियर हो गए। स्केचिंग वगैरह का करियर भी अलग होता है, 3D वगैरह का भी करियर अलग होता है, तो उन चीजों के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक और वेब की बात कर रहे हैं हम लोग। अब डेवलपमेंट में जब आते हैं तो उसमें भी दो तरह के करियर हो गए आपको। एक तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया जिसमें HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap वगैरह का यूज करके आप HTML में कन्वर्ट करते हैं किसी PhD फाइल को। अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट की। जब डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसमें PHP, .NET, जावा, इन सभी लैंग्वेज का अलग अलग कोर्स करके आप इसमें करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब इस फील्ड में करियर बनाना हो तो कोर्स कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, और इन सभी चीजों में कैसे कहाँ से सही जगह चूज किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास हैं तो आप मेरे पास आ जाएं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूर हों जो आप मेरे पास नहीं आ सकते, ऑनलाइन आप मेरे से सीख रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल तौर पे एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास दे सके। तो उस कंडीशन में आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ टूल्स यानी पेन टूल यूज कर लिया, मैजिक वैंड टूल यूज कर लिया, हमने रेक्टेंगुलर मर्की टूल यूज कर लिया, तो क्या सिर्फ टूल्स यूज कर लेने से हमें डिजाइनिंग आ जाएगी? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, टूल्स अलग चीज है, डिजाइनिंग अलग चीज है। आपको डिजाइन में आइडिया को डेवलप करना पड़ता है, आप किस तरह के आइडियाज को यूज करना चाहते हैं डिजाइनिंग में। अगर आपने अच्छे तरीके से आइडियाज को यूज किया है डिजाइनिंग में तो ही वो डिजाइनिंग अच्छी हो सकती है। टूल्स एक अलग चीज है, टूल्स उसी तरीके से हो सकता है जैसे बचपन में हम लोग कहते हैं ना कि पेंसिल से लिखो, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि पेंसिल से लिखो। आप पेंसिल से लिखें या पेन से लिखें, बात लिखने की ही होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा?
डिफरेंस ये होगा कि गलती अगर कर देते हैं पेंसिल से तो उसे इरेज करके आप दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन पेन से जब आप लिखते हैं तो गलती करने के बाद उसमें इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो करियर भी उसी तरीके है, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद आप बैक होकर के दूसरी चीज़ में जाना चाहेंगे तो फिर वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग आपके पीछे होते हैं जो वेट करते हैं, फैमिलीज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो वेट करते हैं कि आप जब ये चीज़ कर रहे हैं तो इसमें आप ऐसा करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो डिसाइड करें करियर को, ये तो पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में आप सभी के सामने मैं पेश कर सकूँ। इतने सारे मटेरियल्स हैं, मैं तो काफ़ी टाइम, मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया आप सभी के सामने आते आते, लेकिन इतने सारे मटेरियल्स हैं, जब सभी चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग में को डिजाइनिंग या हो सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग किसी में आपने एडमिशन ले लिया है कहीं पे, तो वहां पर आप टीचर्स को क्या कहेंगे, क्या सिखाने के लिए बोलेंगे टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन से आपको डिमांड क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किन चीजों पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक एक साल दो दो साल तक कोर्स करते रहते हैं बच्चे, और उसके बाद मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे होते हैं प्लस टू करके, और वो काफी टाइम काफी पैसे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और उसके बाद उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। थोड़े बहुत पेन टूल यूज करना आता है, थोड़े बहुत अपने फोटो एडिट कर लेते हैं बस। भाई फ्रेंड्स, उसको आप एज ए करियर नहीं ले सकते। करियर को लेना है तो बहुत सीरियसली समझना होगा कि डिजाइनिंग फील्ड में अगर आप आ रहे हैं, डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो इस फील्ड में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बैनर जब डिजाइन करते हैं तो बैनर में किन चीजों को रखना चाहिए, किन चीजों को कैसे डिजाइन करना चाहिए। अगर आप टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं तो टेम्पलेट में समझना होगा कि टेम्पलेट सही मायने में कैसा डिजाइन होना चाहिए, उसके लिए किन किन चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप आगे बात करते हैं फ्लायर की, अगर आप बात करते हैं पोस्ट की, सोशल मीडिया पे आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं वो कंपनी के काफी फायदे की चीज होती है। हर कंपनी अपने प्रमोशन को सोशल मीडिया को टारगेट करती है कि सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को प्रमोट करें। प्रमोशन ही सबसे बड़ी चीज है। पहले जो प्रमोशन किया जाता था उसका मैटर अलग होता था, उसके वे ऑफ प्रमोशन भी अलग होते थे, लेकिन अब जो प्रमोशन किया जाता है उसका वे ऑफ प्रमोशन बिल्कुल अलग है। अब सभी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए सिर्फ सोशल मीडिया को ही टारगेट करती है। तो सोशल मीडिया पे अगर आपने जो पोस्ट बनाना है कंपनी के लिए, उसमें किस तरह से पोस्ट बनाएं, हर एक सीजन के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। कलर को भी समझना जरूरी है, किस कैटेगरी में किन जगह के लिए आप एड बना रहे हैं। अगर आप एड बना रहे हैं इंडिया के लिए तो आपको कौन सा कलर यूज करना चाहिए। इंडिया में भी अलग 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 स्टेट्स में अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं। वहां पे आपको ये समझना होगा कि अगर मैं वहां के लिए यूज कर रहा हूं तो उस ज्योग्राफिकल कंडीशन में लोग जो फॉलो करते हैं वो किन चीजों को फॉलो करते हैं, और मुझे कैसा कलर और कैसा डिजाइन देना चाहिए वहां पर। हो सकता है कि आप इंडिया से बाहर के लिए, अलग कंट्रीज के लिए बना रहे हैं, तो वहां पे कैसा डिजाइन यूज करना चाहिए। इन सभी चीजों पे आने वाले हर एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, करियर में क्या इम्पॉर्टेंट है इन चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो है गूगल मटेरियल डिजाइन। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको फॉलो करते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से हम लोग रह सकें, हर चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए भी मटेरियल डिज़ाइन गूगल का एक है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ाई करें, को देखें कि मटेरियल डिज़ाइन कैसे करते हैं गूगल का, उससे आपको समझ में आएगा हर एक पहलू पे वो उन्होंने डिस्कस किया है। तो वो आप पढ़ें, बाकी और भी वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा, पिंटरेस्ट वगैरह को भी थोड़ा सा देखते रहें आप फ्री पिक को देखें, आप हो सकता है तो फ्लैट आइकन वगैरह को भी थोड़ा सा सर्च करें, बिहांस को जरूर देखते रहें, बिहांस पे जाएं, awards.com है उस पे जाएं, वहां पर भी थोड़ा सा आप सर्च करें, वहां पे पढ़ें, और विकिपीडिया वगैरह पे हर एक चीज के बारे में पढ़ें, डिजाइन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, यूआई यूएक्स क्या होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करें। तो आप जब पढ़ाई करके आएंगे और उसके बाद जब मैं बात करूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे की जा सकती है, इसको ऐसे की जा सकती है। इसको एज ए करियर लीजिए और अपने अंदर एक ऐसा जुनून पैदा करिए कि नहीं, मैं इस चीज को कर रहा हूं तो बहुत ही बेहतर करूंगा। आप ऐसा सोच के चलें कि जो मैं कर रहा हूं उसमें बेस्ट करूंगा, मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप जब ये चीज सोचकर करेंगे किसी भी चीज को तो उसमें आप
टॉप पे ही रहेंगे और आपको टॉप पे रहना है। और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर सचमुच में इस कम्युनिटी को बड़ा करना चाहते हैं, आप सभी मिलकर ये सबके सब कम्युनिटी को बड़ा करना चाहते हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है करियर से लेकर के कि कैसे किन चीज़ों में करियर बनाया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए, तो प्लीज इस चैनल को आप सभी तक पहुंचाएं, सभी तक सभी लोगों को जोड़ें इस चैनल से। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल्स बनाऊं, जो भी वीडियोस में मैं लेक्चर दूं, आप सभी तक पहुंचे और उससे आप सभी को फायदा हो सके। आई थिंक ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ये सारी बातों को मैं बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अलग अलग कैटेगरीज लेकर आऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिख करके मुझे बताएं। आने वाले वीडियोस में मैं उन सभी कमेंट्स पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए, अच्छा एक चीज और है, मैं सामने आकर बात करूंगा हर एक टॉपिक पर और दूसरी तरफ मेरा वो वीडियोस चलते रहेंगे जो टूल्स, वो जो डिजाइनिंग है वो अलग चीज है, वो अलग तरीके से मैं बताता रहूंगा। और जो सामने आकर बात करूंगा उन सभी डिजाइन को कैसे क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आज यहीं क्लोज करते हैं, तो कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।